धार जिले के मांडव में दीप प्रज्वलित करके फिल्म परछाई का ट्रेलर रिलीज किया गया। दीप प्रज्वलित पीठाधीश्वर महामंडलेश्वर श्री श्री 1008 डॉक्टर नरसिंह दास जी महाराज द्वारा किया गया। वहीं फिल्म परछाई की टीम द्वारा निर्मित सस्पेंस थ्रिलर फिल्म AMX प्लेयर पर 14 अगस्त को रिलीज होगी, जिसका ट्रेलर आज चतुर्भुज श्री राम मंदिर मांडव में हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि महंत श्री त्रिलोक दास जी पीठाधीश्वर महामंडलेश्वर श्री 1008 श्री नरसिंह दास जी महाराज चतुर्भुज श्री राम मंदिर मांडव श्रीमती मालती जयराम जी गावर अध्यक्ष नगरपालिका मांडव श्रीमती सोनू कृष्णा यादव उपाध्यक्ष नगरपालिका मांडव सभी उपस्थित थे। इस फिल्म में सारा रिकॉर्ड सीन जो है वो रात का है। इसमें बताया गया है कि एक भाई का एक शहर में राज चलता था और उसका भाई का ही एक नियम था कि शहर में कोई भी व्यक्ति बंदूक ना रखेगा और ना ही शहर में कोई खून खराबा करेगा ना ही, और वहाँ पर एक लड़की का मर्डर होना कहानी का रूप बदलती है। वहीं पीठाधीश्वर डॉक्टर दर्शन दास महाराज ने कहा कि मांडव के लिए गर्व की बात यह है कि यहाँ से मुंबई तक का सफ़र बहुत ही कम उम्र में करके फिल्म दुनिया में जाकर अपने ही नगर में फिल्मों को शूट करके नगर का नाम और खुद का नाम बढ़ा है। मांडव से विनीत यादव की रिपोर्ट। ने फिल्म में कुछ मेहनत की, तो किस प्रकार से आपने मेहनत की और आप इतनी ऊंचाई तक कैसे कैसे संघर्ष करके पहुँचे आप? देखिए, फिल्म के माध्यम से मैं असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर जुड़ा हूँ, पिक्चर का एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर भी मैं ही हूँ और पिक्चर का लाइन प्रोड्यूसर भी मैं ही हूँ मांडव का। ये पिक्चर परछाइयाँ है, पिक्चर का टाइटल नेम परछाइयाँ। 14 तारीख को AMX प्लेयर पर स्ट्रीम हो रही है, तो वो फ्री है, आप सभी देखें। और पिक्चर क्राइम थ्रिलर है, नियो जर्न थीम पे बनी है। इस प्रकार की पिक्चर है, बॉलीवुड में कम चलन, इसका हॉलीवुड में ज़्यादा चलन है। इस पिक्चर, ये क्राइम थ्रिलर पिक्चर है, आप इसको ज़रूर देखें। आपका क्या रोल है इसमें? मैं इस पिक्चर से असिस्टेंट डायरेक्टर हूँ और इस पिक्चर का निर्देशन किया आशीष जी यादव, जो कि बॉम्बे से है। आपका नाम? सुधांशु परिहार। हमारे मांडव में हमारा जो बालक है उसने यहाँ पर एक इतना अच्छा कार्य किया कि जो फिल्म इंडस्ट्री में एक नाम रोशन करेगा और उसको मांडव के अंदर उस नाम से उसको पहचाना जाएगा कि उसने एक फिल्म इंडस्ट्री में काम किया और बहुत अच्छा लगा। और हमारा मित्र का लड़का है वो, और हम चाहते हैं भगवान उसका और आगे नाम चले। मांडव में और किसी प्रकार का उस माहौल ऐसा कुछ माहौल, मांडव के लोगों कितने खुश? अरे बहुत खुश है मांडव के लोग, यहाँ के सभी नगर के लोग सब खुश है और बहुत अच्छा लगा हम लोगों को। और हम ये चाहते हैं कि उसका और नाम रोशन हो और उसको मांडव के अंदर उसको उस फिल्म के नाम से पहचाना जाए। ठीक, आपका नाम? मेरा नाम पवन जी यादव। आज जो फिल्म का जो ट्रेलर आपने बताया, इस ट्रेलर में फिल्म किस आधारित, किस कहानी पर बनी हुई है? फिल्म एक सस्पेंस थ्रिलर फिल्म है, जो कि एक क्वेस्ट है एक पर्सन की, जो उसकी लवर की डेथ हो जाती है, तो वो किस रीज़न से डेथ हुई है, किसने उसकी हत्या की है, इन सब चीज़ों के पीछे जो क्वेस्ट है, तो उसके दो साइड दिखाए हैं उसके अंदर। वो डार्क साइड पे होता है और उसके अंदर एक ब्राइटर साइड जनरेट होना स्टार्ट होती है उस लड़की की वजह से, लेकिन उसकी डेथ के बाद वो ब्राइटर साइड तो ख़त्म हो जाती है उसके अंदर, तो ब्राइटर और डार्क का मिक्सचर चलता है उसके अंदर, जिसकी वजह से वो जो क्वेस्ट चलती है वो लंबे समय तक जाती है और वो अंत तक जाती है कहानी के अंदर। ये मांडव के एक बालक का भी उसमें कुछ रोल, क्या रोल रहा उस सुधांशु परिहार जी हैं उनका रोल, वो एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर है इस फिल्म के, एंड पूरी जो मांडव की व्यवस्था रही है उनके द्वारा ही की गई है। एक तरीके से कह सकते हो कि मांडव जितना भी सेटअप रहा है उसको संभालने वाले वही रहे हैं, मतलब फिल्म का आधा जो काम है मांडव का उन्होंने ही संभाला। आपका नाम? अभिषेक शर्मा। आप क्या है इस फिल्म में? मैं इस फिल्म में एज ए लीड एक्टर विराज के तौर पे काम कर। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।